अलग अलग ऑर्बिट्स की रेडियस, जब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालेंगे n की वैल्यू 1, फॉर सेकंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2, फॉर थर्ड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3. So keep n square as it is. Rest we can substitute 6.63 into 10 raised to minus 34 का whole square. Epsilon 0. Epsilon 0 is a constant. उसकी एक value है. उसकी value होती 8.85 into 10 raised to minus 12. Epsilon 0 की value है 8.85 into 10 raised to minus 12 upon pi तो 3.14 है. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 19 का होल स्क्वायर. ये सारा कैलकुलेशन एक बार ऐसे रफ एस्टिमेट करके देखते. देखो ये 20/3 है तो उसका स्क्वायर 400/9 हो गया. अप्रॉक्स बता रहा हूँ. 8.85 80/9 हो गया. 3.14 को 3.14 ही लिखे रह देता हूँ. 9.1 है तो इसको भी 9.1 लिख देता हूँ. ये हो गया 2.56. 10 रेस टू कितना हो जाएगा -68 एंड -12 मिला के -80 अपॉन -38 एंड -31. हाउ मच इट इज -69. ऊपर जाके 10 रेस टू -11 बन गया. राइट 9 9s 81. 81 इसको कैंसिल कर दो. ये हो गया 10/4. 4 गया ऊपर 10 कर दो ये कैंसिल. 3 9s are 27. 28 ही पकड़ लो इसको. 28 पकड़ा तो 1/7 हो गया. राइट तो 7 5s are 35. तो ये एक्चुअली क्या आने वाला है मालूम है? 0.53 एंगस्ट्रॉम आने वाला. सो दिस कैलकुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 0.53 into 10 raised to minus 10 meter. So इसी को हम लोग 0.53 angstrom बोलते हैं. So if you'll see the books, they have directly given this formula. Obviously you are not supposed to remember this derivation. ये derivation आपको याद करने की जरूरत नहीं है, but ये formula याद रखने की जरूरत है. So radius of orbit of electron in hydrogen atom is 0.53 n square angstrom unit. कुछ आया समझ में? हेलो. हाँ सर आया. So you have to remember this lesson. अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n=1 के लिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट कोई पूछे, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं हम लोग. सॉरी ये फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके रेडियस कितना होना चाहिए? उस ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम. 0.53. सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कितना होना चाहिए? 0.53 एंगस्ट्रॉम. सेकंड ऑर्बिट n is equal to 2 के लिए 2² is 4. 4 5 is 2.12 एंगस्ट्रॉम. n is equal to 3. रेडियस ऑफ ऑर्बिट वुड बी 3² is 9. तो 477 एंगस्ट्रॉम. ठीक है आरी बात समझ में? हेलो. यस सर. सो ये हो गया. अच्छा ये तो हाइड्रोजन के लिए हो गया. क्वेश्चन है हाइड्रोजन लाइक होगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन लाइक होगा मतलब न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ गया. राइट He+. अगर He+ है मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक ही है बट न्यूक्लियस में चार्ज +2 है. तो उसके लिए सेम जगह पर रख के रेडियस कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? हाँ सर वापस. हाइड्रोजन में यहाँ पे चार्ज +1 है. राइट और इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व हो रहा. अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो लेकिन यहाँ पे +2 हो जाए तो जैसा ऑर्बिट 0.53 था तो कम हो जाएगा रेडियस या बढ़ जाएगा या सेम रहना चाहिए? कम हो जाता है. क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया. तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो फॉर्मूला है 0.53 n square upon z. दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स. समझा? यस सर. ओके सो हाइड्रोजन के लिए 0.53 n square एंगस्ट्रॉम whereas for hydrogen like atoms के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम by z एंगस्ट्रॉम हो गया, राइट? ये हो गया। तो ये तो रेडियस निकल आया। अब जरा फिर से पीछे चलते हैं, वेलोसिटी को ढूंढते हैं। तो हमने क्या देखा था, mv2/r इज इक्वल टू 1/4, यार उसको छोड़ के दूसरे वाले में डाल देते हैं। mvr इज इक्वल टू nh/2π। आर की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास मिल गई, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v इज इक्वल टू व्हाट, nh/2πm, राइट, इनटू r। r क्या हमारे पास, n²h²ε0/πm²। ठीक, पाई कैंसिल, m कैंसिल, एक n कैंसिल, एक h कैंसिल, क्या बच गया, e²/2h ε0 into n। ठीक है, हेलो, हाँ सर। अब जरा n छोड़ के बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो एक शॉर्टकट बन जाएगा जो आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे याद रखना, दो, अभी तक दो फॉर्मूले याद किया मैंने। हाइड्रोजन एटम का रेडियस अगर आपको इससे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 0.53 into n²। And for hydrogen like atoms we'll say it is 0.53 n²/z। अगर कुछ भी नहीं याद रहा तो ये दो फॉर्मूले तो याद रखने हैं आपको, मतलब ये दोनों चीज फाइनल वैल्यूज याद रखनी, राइट। टेक्स्ट बुक्स में सीधा सीधा ये भी दिया रहता है, 12th में फिजिक्स में डेरिवेशन भी दिया हुआ है, तो मैं भी बता दिया, राइट। अब यहाँ पे ई वैल्यू डाल के देखो, ई इज 1.6 into 10⁻¹⁹ स्क्वायर कर दिया, 2 दे दिया, 6.63 into 10⁻¹⁴ दे दिया, ε0 8.85 into 10⁻¹² दे दिया, राइट, समझा। इसको 20/3 लिख दिया तो 23 गया ऊपर, इसको 80/9 लिख दिया तो 9 गया ऊपर, राइट। 16 5s are 80, तो ये 50 हो गया। फिर 16 upon 200 0.44 0.4 and 50, तो ये हो गया आपका 2 हो गया, राइट। 3 2s are 6 6 9s are 54 upon 2500, 2 गया -10 minus 10 minus 44 plus 44 and 10⁻² हो गया आपका 8, राइट। तो इसको ले लो आप 100/4, 216, तो 2.16 एक्चुअली 2.188 होता है, तो 2.18 into 10⁻⁶⁶, plus 66 मीटर पर सेकंड अपॉन, सॉरी n कहाँ चला गया, दिस इज फॉर सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज 2.18 into 10⁶ by n meter per second. समझा आपको? कोई पूछेगा आपसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो यू हैव टू से 2.18 into 10⁶ मीटर अपॉन, सॉरी मीटर पर सेकंड। नहीं समझा? हाँ सर समझो। So with what velocity electron of hydrogen atom moves in ground state या first orbit, तो first orbit में उसकी velocity होती है 2.18 into 10⁶ whole upon n meter per second। Clear? हाँ सर। सर ये क्या बोलते हैं, हर एटम में फिर स्पीड अलग रहेगी इलेक्ट्रॉन शेल में? हाँ, अरे अभी तो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, अभी तो हम लोग चैप्टर के मिडवे पहुंचे हैं। तो ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। इफ यू हैव हाइड्रोजन लाइक, हाइड्रोजन लाइक अगर होगा तो वेलोसिटी हो जाती 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपन। ये हाइड्रोजन लाइक के लिए। और फिर हाइड्रोजन लाइक के अलावा भी तो होते हैं। अब सोडियम आटम में हाइड्रोजन लाइक क्या है? कुछ भी नहीं है, राइट। हाँ, अगर जबरदस्ती आप Na10+ बना दो, 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो फिर बोल दो आप फिर से हाइड्रोजन लाइक हो गया है। बट इसके अलावा तो जितने आइटम्स हैं उनको तो बोर्स मॉडल से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनके लिए लास्ट मॉडल आएगा, वेव मैकेनिकल मॉडल, दैट वुड बी लास्ट मॉडल। तो एक और लेक्चर में बोर्स मॉडल खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट मॉडल पढ़ेंगे, वेव मैकेनिकल मॉडल। दैट इज मॉडल, मतलब फाइनल। आज तक जो हमने पढ़ा, जो करंट नॉलेज के हिसाब से जो मॉडल, दैट इज नोन एज वेव मैकेनिकल मॉडल। टोटल 4 मॉडल थे अपने, थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, अभी बोहर मॉडल चल रहा है, फिर उसके बाद लास्ट मॉडल इज वेव मैकेनिकल। ओके, ओके सर। सो दिस इज हाइड्रोजन लाइक वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम और एटम्स। अब बचा लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी। आपको कैरी करना है। अब एनर्जी देखते, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। सो ½ mv²। मास पता है आपको, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास पड़ा हुआ है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अभी जस्ट हमने देखा था, E² अपॉन क्या था, 2h एप्सिलॉन ना। वापस पीछे जाके ड्राइव करना पड़ेगा, क्या था, यही था ना। m e⁴ अपॉन 2²4 2 8 एप्सिलॉन 0² h² और n था n²। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला m e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन 0² h² n²। करेक्ट। हेलो, यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये आपको फिर से 12th में पढ़ने मिलेगा, तो जस्ट याद ही कर लो आप। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -1/4πε0 Q1 Q2/r, तो E²/r। अब आर का फॉर्मूला क्या निकाला हमने, -E² अपॉन 4πε0। आर का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल फॉर्मूला नोट किया किसी ने? हेलो, सर। n² h² एप्सिलॉन अपॉन पाई m e स्क्वायर, हाँ, पाई m e स्क्वायर पावर 4, राइट। पावर 4 नहीं, पाई स्क्वायर, ई स्क्वायर होगा ना। हाँ सर, ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर, राइट। तो क्या हो गया यहाँ पे, -π m e⁴ अपॉन 4, सॉरी पाई पाई कैंसिल ना, m e⁴ अपॉन 4ε0² h²n²। ये होगा m e⁴ अपॉन दिस, और ये m e⁴ माइनस m e⁴ अपॉन 4ε0² h²n², राइट ना। सो टोटल एनर्जी कितना हो गया इफ यू ऐड देम, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा -m e⁴ अपॉन 8ε0² h²। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया ना। दिस वैल्यू विल बी इन जूल्स, दिस वैल्यू इज इन जूल्स। ठीक है, अब क्या करो, ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करो। 9.1 into 10 raised to minus 31, 1.6 into 10 raised to minus 19 whole raised to 4, 8.85 into 10 raised to minus 12 का whole square, 6.63 into 10 raised to minus 34 का whole square upon answer। फिर से इसको एक बार e से डिवाइड कर देना, 1.6 into 10 raised to minus 19। ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखना, ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है एंड ये वैल्यू आपको मिलेगी -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय फॉर्मूला -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज 4, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। फिर थर्ड ऑर्बिट में 3 स्क्वायर 9 से डिवाइड हो जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रहा है समझ में? यस सर। Now for hydrogen like, अगर हाइड्रोजन लाइक होगा, नॉट हाइड्रोजन बट हाइड्रोजन लाइक, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा -13.6 z square upon n square। So this is energy of electron revolving in nth orbit of hydrogen like atom। आई बस में। सो ये डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना, ये याद रखना वेलोसिटी का डेरिवेशन याद नहीं रखना, बट वेलोसिटी का जो फाइनल फॉर्मूला 2.18 into 10 raised to 6 अपॉन n, राइट, वो याद रखना है और इंटू z कर दो तो हाइड्रोजन लाइक के लिए। आ रहा बस में? रेडियस का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, पूरा डेरिवेशन, बट 0.53 n square for hydrogen and 0.53 n square upon z for hydrogen like, वो याद रखना जरूरी है। ओके? यस सर, यस सर, ठीक है, स्टॉप।